उपश्चते सर्वे ब्रजमंडलवासिना निहत्त राक्षसान गोपा सर्वान गोलोकम तदाययोः। जो ग्वाल वालों की आपने कथा श्रवण की है, इस कथा के प्रभाव से वह सभी जो है वृंदावन गोलोक धाम वृंदावन के निवासी होते हैं, ब्रज के निवासी होते हैं, और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का सहयोग करके अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये सत्यनारायण भगवान की कथा विशेष करके सत आचरण करने का जो है उपदेश करती है, यही वास्तविक कथा है। कम से कम महीने में जो है हमें 3 दिन सत्य आचरण करने का अभ्यास करना चाहिए। क्यों अभ्यास बड़ी बात है। एक संत जो है तो कथा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई कथा में जो है तो वो बोले जो है व्यक्ति को नित्य मरने का अभ्यास करना चाहिए। अब बात जो है समझ में नहीं आई तो वो शिष्य जो है अपने गुरु से जो है उड़िया बाबा से प्रश्न किया तो उड़िया बाबा ने कहा कि अरे बाबरे, जब रात्रि में तू सोता है ना तो बिल्कुल सीधे चित्त सो जा, दोनों हाथ फैला के सो और राम 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 जपते जपते सो जा। और जब जब राम राम जपते जपते तुम सो जाओगे तो यथार्थ में जब तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हें जो है जब लेटाया जाएगा, सीधे जो है चित्त किया जाएगा चिता में, तो अभ्यास के वशीभूत होकर के यदि तुम्हारे मुख से राम नाम निकल आएगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए जो है अभ्यास बड़ी बात है। तो सतत सत्य आचरण का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम नित्य अभ्यास करेंगे, महीने में कम से कम 3 दिन अभ्यास करेंगे, तो धीरे 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 जो है हम सत्यवादी हो जाएंगे और यथार्थ में भगवत भक्त हो जाएंगे, और भगवान की भक्ति जो है हमारा निश्चित जो है तो मोक्ष देने वाली है, निश्चित जो है हमारा कल्याण करने वाली है। यहाँ भी कल्याण करेगी और वहां भी कल्याण करेगी। लेकिन वचनों में दृढ़ता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। जो आपने संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, उसका सत्यता से निर्वाह करना चाहिए। वही एक बनिया जो है इसी तरह से जो है एक निश्चित किया कि हम अपने जीवन में कभी किसी को फूटी कौड़ी दान नहीं करेंगे। अब ठाकुर जी जो है उसकी परीक्षा लेना चाहे, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जो है तो कपड़े की दुकान थी पहुंच गए, बड़ी प्रशंसा की, अरे सेठ जी आप बताओ कितने प्रसन्नता से अपने ग्राहकों को जो है तो वस्त्र देते हैं, कपड़े देते हैं और पानी यानी सब जो है तो पिलाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, हैं? तो सेठ जी प्रसन्न हो गए, बताइए बताइए ब्रह्मचारी जी आपको क्या चाहिए। बोले नहीं 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 मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ लेना हो तो आप बताइए बताइए। बोले जो है तो थोड़ा सा दान चाहिए। दान का नाम सुनकर के सेठ जी हो गए। बोले बोले ठीक है ऐसा करो, तुम साल भर बाद आना। ब्रह्मचारी जी ने जो है भगवान कृष्ण ने कहा भैया हमारे को जल्दी नहीं है, हम साल भर बाद जो है तो ले लेंगे। साल भर बाद जो है तो ठाकुर जी पहुंचे, तब तो जो है सेठ जी ने कह दिया 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद पहुंचे तो उन्होंने कह दिया 3 महीने बाद आना। 3 महीने बाद पहुंचे तब तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो तुम जो है तो 1 महीने बाद आओ। 1 महीने बाद पहुंचे, बोले 15 दिन बाद आओ। 15 दिन बाद पहुंचे तो संयोग से सेठ जी दुकान में नहीं थे, बच्चे थे दुकान में। बच्चों ने जाकर के पिताजी से जो है कहा, ब्रह्मचारी बैठ गए। बोले वो ब्रह्मचारी आए हैं, अब तो दान दे दो, देखो चक्कर लगा लगा के बेचारे 7 बार चक्कर लगाए परेशान हो गए, अब तो कोई दान दे दो। पिताजी ने कहा दान तो दे नहीं सकता, जाकर के कह दो कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आकर के कह दिया कि महाराज पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप तो अब चले जाइए, दान जो है तो नहीं दे पाएंगे। बोले अरे राम 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 राम, इतने बड़े धर्मात्मा महापुरुष की भी तबीयत खराब हो गई, ठाकुर जी की यहाँ तो कोई नियम नहीं है, कोई विधान नहीं है। बोले अभी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगे, 9 दिन बीत गए। बच्चा अंदर गया, बोले पिताजी दरवाजे में ब्रह्मचारी भूखा प्यासा 9 दिन से बैठा हुआ है, अब तो दान दे दो, ब्राह्मण मर जाएगा, ब्रह्म हत्या लगेगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं दान तो दे नहीं सकता, जाकर के कह दो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। महाराज उनकी तबीयत तो और ज्यादा खराब हुई। अरे राम राम राम, मैं इतना जप किया, इतना भजन किया, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, फिर भी तबीयत खराब हुई। बोले महामृत्युंजय का जप करता हूँ, महामृत्युंजय का जप करने लगे। 11 दिन बीत गए, तब जाकर के निवेदन किया तो पिताजी ने कहा जाकर के कह दो राम नाम सत्य हो गया। आकर के कह दिया राम नाम सत्य हो गए। अरे राम 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 राम, कोई काम नहीं आया, मैंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, महामृत्युंजय का जप किया, फिर भी जो है तो मृत्यु तो निश्चित है भैया, अटल है, सत्य है, वो तो होना ही है। तो इसलिए जो है तो बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जो है तो महाराज अब तो चले जाओ आप, पिताजी तो पधार गए। बोले राम अरे भले आदमी, मेरे जो है इतने बड़े भक्त की जो है मृत्यु हुई है, इसे ऐसे मझधार में आधे रास्ते में छोड़ के चला जाओ। अरे उसकी चिता के उसकी अर्थी के पीछे 2 कदम चलूंगा, समझूंगा मुझे दान मिल गया है। बोले पिताजी अर्थी के 2 कदम पीछे चलना चाहता है। बोले कोई बात नहीं, अर्थी बना लो, अर्थी में लटा के ले चलो।
बोले दो कदम चलेगा, इसके बाद अर्थी फेंक देना, हम उठ के चले आएंगे। अब जो है पिताजी को अर्थी में लिटा दिया और चलने लगे, राम नाम जपते, राम नाम जपते कहते हुए। पिताजी उठ उठ के बार बार देख रहे हैं, बोले क्या क्या, बोले नहीं, बोले अब कहो, इशारा सी कर रहे, बोले कहो कहो, जाए जाए जाए। बोले महाराज अब तो दो कदम हो गए आपके, चले जाओ। बोले अरे भले आदमी, पिता मेरा इतना सुंदर भक्त जो है तो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसे आधे रास्ते में छोड़ के चला जाओ। अरे भैया उसकी चिता में एक लकड़ी दे दूंगा, समझूंगा मुझे दान मिले। बोले पिताजी ये तो जा ही नहीं रहा, चिता में एक लकड़ी देना चाहता। बोले कोई बात नहीं, चलो चिता जो है तो लिटा देना भैया, थोड़ी सी आग लगेगी, लकड़ी छोड़ के भाग आएगा और हम उठ के चले आएंगे, चिता जल जाएगी। अब जो है चिता लगा दी गई, सेठ जी को लिटा दिया गया, लड़का जो है अग्नि लेकर के जो है घूमने लगा, जैसे मुख में देना चाहता था उसी समय भगवान जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। और ठाकुर जी ने कहा क्यों जिंदा जान देते हैं भैया, तुम जीत गए मैं हार गया। अर्थात मैं ये नहीं कहता कि आप दान ना देने का संकल्प कर लो, कोई भी वचन कोई भी आचरण वो सत्यमय होना चाहिए। इस तरह से अगर दृढ़ता से प्राण चले जाएं लेकिन वचन न जाए, इस दृढ़ता से अगर जो है आप सत्य का पालन करेंगे तो सत्यनारायण भगवान की कथा जो है कलयुग में निश्चित जो है आपको फल देगी। लेकिन बस पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ में पूर्ण निष्ठा के साथ में आप करेंगे तो निश्चित आपके मनोरथ की सिद्धि होगी। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आरती कर ले। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्ने सरये नमः सर्वोपचारार्थे गंधक पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओमा चंद्रमा मनसो जातश्चो तोजो अजायतो सूत्राद्वायुष प्राणसमुखादभिरजायतो। ॐ जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपात के हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन यज्ञभूत छविराजे, स्वामी यद छविराजे नारद करत निराजन, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भय कल कारण दुज को दरस दियो, स्वामी दुज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय दुर्बल कील कठारो जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा
नया रो तुलसी राजे